दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह डॉक्टर दिवाकर सिंह रीवा द्वारा बघेल राजपूतों का इतिहास नामक यह एक पुस्तक लिखे हैं। इस एक पुस्तक को लिखने के लिए संभवतः डॉक्टर साहब ने 100 पुस्तकों का अध्ययन किया है। पुस्तक लिखने में उनकी पुत्री डॉक्टर शिल्पा सिंह ने सहयोग किया है। डॉक्टर शिल्पा सिंह ने पीएचडी की है। इस पुस्तक पर लिखे लेख पर आधारित सोहावल और कोठी रियासत पर मैं यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे मैहर में राजवंशी शासक नहीं बल्कि अपने एक सबसे विश्वास पात्र को महाराजा छत्रसाल ने राजा बना दिया था, ठीक उसी प्रकार कोठी का इतिहास कहता है कि कोठी राजवंशी नहीं है बल्कि सोहावल राजा ने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए अपने दोस्त को 30 गांव देकर कोठी का राजा घोषित कर दिया था। बाद में वही कोठी सोहावल पर चढ़ाई करता रहा। सोहावल और कोठी के बीच 3 बार युद्ध हुए, दोनों तरफ से राजाओं की मृत्यु हुई। आइए जानते हैं इतिहास के उन पन्नों को जिसमें शायद हम आप सभी अभी तक अनभिज्ञ रहे हों। दोस्तों आज हम आपको सोहावल स्टेट के बारे में बताने जा रहे हैं। सोहावल राज्य किस राजा ने बनाया, कौन से सन में बनाया, सोहावल और कोठी राज्य में दोनों तरफ से कई बार युद्ध हुए। सन 1624 से 1640 तक रीवा राज्य के महाराजा अमर सिंह थे। महाराजा अमर सिंह के बड़े पुत्र फतेह सिंह पिता से नाराज होकर चाचा के पास चले गए। फतेह सिंह के चाचा इंद्र सिंह को पतरहट का ठिकाना मिला था। चाचा इंद्र सिंह ने फतेह सिंह को भगदेवरा में 42 गांव भी दिए। आज यहां गढ़ी सज्जनपुर ठिकाने में है। आज यह गढ़ी सज्जनपुर ठिकाने में है, पहले इसे दुर्जनपुर कहा जाता था। इसकी चर्चा फिर हम किसी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। फतेह सिंह का विवाह उचेहरा राजा पृथ्वीराज सिंह परिहार की पुत्री रमन कुंवरी के साथ हुआ। फतेह सिंह को उचेहरा राजा ने सोहावल सहित 12 गांव दहेज में दिए। सोहावल क्षेत्र सन्यासियों के कब्जे का क्षेत्र था, इसलिए उचेहरा राजा इस पर कम ही अपना अधिकार रखते थे, जबकि सोहावल में एक गढ़ी बनी हुई थी। शादी के बाद फतेह सिंह सोहावल आ गए। सोहावल गढ़ी में योगराज संत गिरी रहा करते थे। फतेह सिंह और संत गिरी में आपसी मेल मिलाप की बातचीत हुई और संत ने गढ़ी फतेह सिंह को सौंप दी। संत गिरी सोहावल के दक्षिण में एक टीले में अपना पचमठा आश्रम बनाकर रहने लगे। संत गिरी की समाधि स्थल पर आज भी लोग पूजा करते हैं। कोठी राज्य के संस्थापक जगत राय हुए। जगत राय कसौटा के बघेल थे। फतेह सिंह ने जगत राय के साथ मिलकर अपने राज्य का काफी विस्तार करना शुरू किया। विस्तार का मतलब दूसरे पड़ोसी राज्य को जीतना। फतेह सिंह ने बुंदेलों, भर, बैस और अन्य राजाओं को पराजित किया और सिंहपुर, शिवराजपुर, रैगांव, कोठी, देवगढ़, भाजीखेर, जसो, बड़ा कोठार, वैसान परगना को अपने राज्य में शामिल कर लिया। इन राज्यों को अपने में शामिल करने के बाद फतेह सिंह के पास दहेज में मिले 12 गांव सोहावल, 42 गांव दुर्जनपुर आज के सज्जनपुर, 175 गांव वैसान परगना, 32 गांव सिंहपुर, 24 गांव रौड़, 24 गांव देहुटा, 24 गांव झाली, 12 गांव रैगांव, 24 गांव जसो, 84 गांव भाजीखेत, 30 गांव कोठी मिलाकर कुल 483 गांव हो गए। इन 483 गांवों से 1,67,000 रुपए के लगभग वार्षिक आमदनी सोहावल की होने लगी। बाद में अधिकांश आधिपत्य छिन गए। फतेह सिंह ने अपने दोस्त जगत राय को कोठी सहित 30 गांव दिए, जिसे तीसी का ठिकाना भी कहा गया। फतेह सिंह दीर्घजीवी हुए। उनके जीवित रहते हुए ही बड़े पुत्र जयसिंह और बड़े पौत्र
मानधाता सिंह का देहांत हो गया। फतेह सिंह के चार पौत्र हुए। एक बड़े पौत्र की मृत्यु के बाद बाकी तीन को ठिकाने बांट दिए। राम सिंह को झाली, तेज सिंह को शिवराजपुर, संग्राम सिंह को भगदेवरा का ठिकाना फतेह सिंह ने दिया। फतेह सिंह की मृत्यु के बाद नाबालिग पर पोते सभा सिंह राजा बने। सभा सिंह के नाबालिग होने के कारण दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगी। कोठी के लोग भी अपने को स्वतंत्र राजा मानने लगे। सन 1721 में सोहावल की रानी भैंसवार की गढ़ी में रुकी थी। इसी समय सोहावल और कोठी वालों के बीच चमरौरा गांव में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में कोठी के ठाकुर बरजोर सिंह मारे गए। कोठी वालों ने सोहावल पर फिर हमला बोल दिया और कस्तूरी नाले तक अपना अधिकार जमा लिया। कोठी ने कई सोहावल के गांव भी जीत लिए। सोहावल और कोठी के बीच हो रहे युद्ध का लाभ बुंदेल राजाओं ने उठाना शुरू कर दिया। बुंदेलों ने सिंहपुर, हाजीखेर, रोड़, जसो, बड़ा कोठार जीत लिए और इन पर कब्जा कर लिया। सन 1731 में हृदय शाह बुंदेला ने मैहर पर अपना अधिकार जमाने के बाद सोहावल राज्य पर भी कब्जा कर लिया। सोहावल राज्य छीनने के बाद सभा सिंह अपने मामा के यहाँ विजयपुर चले गए और सन 1733 में सभा सिंह की मृत्यु हो गई। सभा सिंह की मृत्यु के बाद शिवाजी के पुत्र साहू जी की मदद से सभा सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह सोहावल के राजा बने। 14 जनवरी सन 1770 को सोहावल और कोठी के बीच फिर डेहुटा गांव को लेकर युद्ध छिड़ गया। दोनों इस गांव पर अपना आधिपत्य मानते थे। इस युद्ध में सोहावल के राजा पृथ्वीपति सिंह मारे गए। अब पृथ्वीपति सिंह के दोनों पुत्र महीपत सिंह और सरजीत सिंह राजगद्दी पाने के लिए आपस में ही लड़ने लगे। पन्ना राजा ने तब बीच में आकर मध्यस्थता की। महीपत सिंह को सोहावल राजा घोषित किया गया। सरजीत सिंह को रैगांव का इलाका दिया। रैगांव इलाके की बात फिर हम किसी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। कुल जमीन के 3 भाग सोहावल को और 2 भाग रैगांव को दिए गए। सन 1781 में महीपत सिंह का स्वर्गवास हो गया। 10 जुलाई 1809 अमान सिंह सोहावल के राजा बने। सन 1830 में कर्ज की अधिकता के कारण अमान सिंह ने सोहावल राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया। सन 1833 में आर्थिक स्थिति सुधरने पर अमान सिंह फिर सोहावल राज वापस आकर देखने लगे। अमान सिंह के जीवित रहते हुए ही उनके बड़े पुत्र रघुनाथ सिंह का 1840 में देहांत हो गया। 1841 में अमान सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्र शिव सिंह सोहावल के राजा बने। 1856 में शिव सिंह के जीवित रहते हुए ही उनके बड़े पुत्र राज बहादुर सिंह का देहांत हो गया। सन 1864 में शिव सिंह का देहांत हो गया। ऐसे में शिव सिंह के नाती शेर जंग बहादुर सिंह नाबालिग राजा बने, मगर शासन अंग्रेजों ने किया। 1870 में शिव सिंह को सोहावल राजा का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। सन 1899 में शिव सिंह का देहांत हुआ। इसके बाद शिव सिंह के बड़े पुत्र भगवंत राज बहादुर सिंह राजा हुए। 16 फरवरी 1930 में इनका देहांत हो गया। अब इनके बड़े पुत्र जगेंद्र बहादुर सिंह राजा बने और यह सोहावल रियासत अंग्रेजी सरकार को नजराना देती थी। सन 1911 में ब्रिटिश सरकार की दिल्ली दरबार ने यह नजराना माफ कर दिया था। सोहावल रियासत का क्षेत्रफल 213 वर्ग मील था। सन 1941 के जनगणना अनुसार सोहावल राज्य की आबादी 50,435 थी और सालाना आमदनी 1 लाख रुपए। सन 1948 में जब सोहावल राज्य का विलय भारत देश में हुआ, उस समय जगेंद्र बहादुर सिंह सोहावल के राजा थे। उन्हें 25,900 रुपए प्रीवियस भारत सरकार की ओर से दिया जाता था। इसके बाद का इतिहास अगले एपिसोड में बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इन राजाओं के जो बड़े पुत्र
बड़े पुत्रों का देहांत कई राजाओं का होता गया, कहीं उसका कारण सन्यासियों का स्थान तो नहीं था? अभी भी एक पुजारी का देहांत सन्यासियों के कारण ही हुआ। ऐसा माना जाता है कि सुहावल में बहुत ज्यादा गड़ा हुआ धन है। उस धन को निकालने में एक दामाद जी सफल हुए, लेकिन दामाद जी बचे नहीं, वो परलोक सिधार गए। दामाद जी के धन पर दामाद जी ने कब्जा किया, लेकिन वह दामाद जी भी परेशान है। मतलब राजवंश सोहावल राज का राज अब दामादों के हाथ में चला आ रहा है। इसको देखने के लिए आप इंतजार करें मेरे सोहावल के अगले एपिसोड का।